लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। डायरेक्टर मिलन लुथरिया की फिल्म बादशाहो रिलीज हो गई है। अजय देवगन, इमरान हाशमी, संजय मिश्रा, इलियाना डिक्रूज, विद्युत जामवाल और ईशा गुप्ता स्टारर। इस फिल्म की कहानी 1975 से 77 के बीच इमरजेंसी के दौर की है। यह एक दौर था जब न केवल आम आदमी परेशानियों से जूझ रहा था बल्कि कई बॉलीवुड स्टार्स भी इसका विरोध कर रहे थे। राजकुमार इमरजेंसी के सख्त विरोध में थे। उन्होंने 1995 के एक इंटरव्यू में बताया था, सरकार ने मुझसे अपने अंदाज में इमरजेंसी का बखान करने को कहा था लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, मैंने खुले तौर पर कहा कि मैं इसका विरोध करने वालों का साथ दूंगा। रमेश सिप्पी के डायरेक्शन में बनी शोले इमरजेंसी लगने के करीब 2 महीने बाद रिलीज हुई थी। सेंसर बोर्ड से इसे क्लियर कराने में मनोज कुमार की अहम भूमिका मानी जाती है। रिपोर्ट्स की माने तो मनोज कुमार तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री विद्या चरण शुक्ल के खास दोस्त थे, इसलिए प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी ने मनोज कुमार से शोले के लिए मदद मांगी। खास बात यह है कि शोले तो सेंसर बोर्ड से पास हो गई लेकिन खुद मनोज कुमार की फिल्म 10 नंबरी अटक गई। इमरजेंसी के खिलाफ मोर्चा खोलने का खामियाजा सिंगर किशोर कुमार को भी भुगतना पड़ा था। दरअसल उस वक्त सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने उनसे एक म्यूजिकल फंक्शन में गाना गाने को कहा था लेकिन किशोर कुमार ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद वे सरकार की नजरों में खलनायक बन गए। 70s के सभी न्यूज पेपर्स में उनके बारे में यह खबर छपी। बाद में संजय गांधी और विद्याचरण शुक्ल ने ऑल इंडिया रेडियो पर किशोर कुमार के गाने बजाए जाने पर रोक लगा दी लेकिन किशोर गाने बड़े ही साहस के साथ मिनिस्ट्री के फैसले का सामना किया। बाद में मोहम्मद रफी और मन्ना डे ने संजय गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला। रफी ने संजय से यहां तक पूछ लिया कि इस तरह का एक्शन लेने के बाद वे किस हक से खुद को पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे महान इंसान का पोता कहते हैं। इस बात का खुलासा मन्ना डे ने एक बांग्ला अखबार को दिए इंटरव्यू में किया था। कहा जाता है कि मोहम्मद रफी और मन्ना डे के दखल के कुछ समय बाद किशोर कुमार पर लगाया गया बैन वापस ले लिया गया था। किशोर कुमार पर लगाया गया बैन वापस ले लिया गया था